किसान भाइयों नमस्कार। कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों आज बात करेंगे थायमेथोक्सोम 25% WG के बारे में, जो कि सिजेंटा अक्तरा नाम से आता है और कौन कई भी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि इविडेंट नाम से थायमेथोक्सोम आता है जो कि बायोस्टार्ट कंपनियां बनाती हैं, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, टेक्निकल सेम होना चाहिए बस। किसान भाइयों आज इसके बारे में बात करेंगे, इसकी क्या प्राइस है, इसकी पैकिंग साइज, इसके डोज के बारे में, रेसिडुअल एक्टिविटी एवं आपको यह कहाँ पर मिल जाएगा, सभी प्रकार की जानकारियाँ थायमेथोक्सोम 25% के बारे में मिलेगी, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों अगर बात करें थायमेथोक्सोम 25% WG एक एकीकृत कीटनाशी है जो उन्नत विशेषताओं वाले सुपर टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है। यह एक नोएडिकोटीन ग्रुप से बिलोंग करता है जो कि एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। किसान भाई अगर बात करें तो यह स्टोमक एक्शन पर बिलोंग करता है जो पाचन शक्ति पर अटैक करके कीटों को ख़त्म कर देता है एवं यह नर्वस सिस्टम पे भी अटैक करता है कीटों के, जिससे कीट पैरालाइज होकर मर जाते हैं, तो यह कीटों को 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर देता है। किसान भाई अगर सिजेंटा के अक्तरा की बात करें तो यह इमीडा क्लोरोपिट से भी सस्ता एवं उससे भी अच्छा काम करने वाला कीटनाशक है जो कि बहुत ही अच्छा किसानों को रिजल्ट देता है। अगर इसकी बात करें तो सिजेंटा अक्तरा 25% WG एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है जो फसल के अंदर पत्तियों से लेकर जड़ तक असर करके जल्दी से जल्दी कीटों को ख़त्म कर देता है और पौधे स्वस्थ हो जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो यह ज़मीन से भी अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए इसे सॉइल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है सिजेंटा के अक्तरा को। अगर अक्तरा की बात करें तो यह एक ट्रांससिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि अक्तरा जो होता है वो ट्रांसलिमिनर एक्शन पे भी वर्क करता है, जो पत्तियों की ऊपरी सतह पर छिड़काव करने पर नीचे भी जो पत्तियों के नीचे कीट होते हैं उन्हें भी आसानी से मार देता है। अगर सिजेंटा के अक्तरा थायमेथोक्सोम 25% WG की बात करें तो यह कीट को 24 घंटे में ही ख़त्म कर देता है एवं यह ब्लू लेवल का फंगिसाइड है जिसकी टॉक्सिसिटी लो है, जो मित्र कीट जो होते हैं उन्हें नहीं मारता, जिससे आपकी फसलों में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं आती, क्योंकि मीडा को उपयोग करने से किसान भाइयों फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ जाती है, तो आप मीडा की जगह इसको आप उपयोग कर सकते हैं जिससे आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग की भी समस्या फसलों में नहीं आएगी। किसान भाइयों अगर इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो यह किसी भी कॉम्बिनेशन में चलने वाला कीटनाशक है, जिसे आप किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ मिला सकते हैं, फंगिसाइड में स्कोर के साथ मिला सकते हैं, हम स्टारटॉप के साथ इसको चला सकते हैं, रोको फंगिसाइड के साथ चला सकते हैं, सभी फंगिसाइड के साथ आप इसका कॉम्बिनेशन बनाकर चला सकते हैं। अगर बात करें किसान भाइयों तो इसे आप ड्रिंचिंग में भी बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं और आप इसका पत्तियों पर ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो यह हरा तेला, चेपा, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई एवं जो मक्खियाँ लगती है, हाउस फ्लाई लगती हैं उसमें, और कई प्रकार की कीट रस चूसक कीटों में बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, या दीमक में बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। हरा तेला और चेपा में ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है एवं थ्रिप्स और वाइट फ्लाई में थोड़ा कम काम करता है। और इसकी किसान भाइयों बात करें तो यह रस चूसक कीटों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, एफिजेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। इसे आप आम में छिड़काव कर सकते हैं, आम में जो फरवरी से लेकर मार्च के मंथ में आप इसका 10 ग्राम 15 लीटर पानी में उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा बौर के टाइम में, जिससे आपके बौर नहीं झड़ेंगे एवं उसमें रस चूसा कीट अटैक नहीं कर पाएंगे, तो इसे आप आम में बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर इसकी छिड़काव की जाने वाली सिजेंटा तरह की फसल की बात करें तो आप सिजेंटा को सभी प्रकार की फसलों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे धान, गेहूं, मिर्च, टमाटर, लौकी, भिंडी, खीरा, काकड़ू, तरबूज, खरबूज, आम, सेब, केला, अंगूर, पपीता, सभी प्रकार की फसलों में आप सिजेंटा के अक्तारा को आप उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अगर इसकी डोज की बात करें किसान भाइयों तो 50 ग्राम 200 लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं और 500 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग कर सकते हैं किसान भाई 500 लीटर पानी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हम अगर इसकी बात करें तो अगर कीट आपके कम लगे हों तो 50 से लेकर 60 ग्राम प्रति एकड़ आप उपयोग करें एवं कीटों का प्रकोप अगर अधिक हो तो 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ भी इसका आप उपयोग 180 से 200 लीटर पानी में सिजेंटा अक्तरा का आप कर सकते हैं। इसकी बात करें तो यह सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है जो पौधों के अंदर तक जाकर लंबे समय तक रिजल्ट देता है एवं अगर इसकी बात करें तो
इंसेक्टिसाइड दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं और एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है, जो हम आपको आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर इसकी बात करें तो यह रस चूसक कीटों पर बहुत ही अच्छी तरीके से उन पर अटैक करके उसको ख़त्म कर देता है, जैसे कि एफिड, जैसिड, स्लीप माइनर, तना छेदक, चेपा, माहू, वाइट फ्लाई थ्रिप्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। यह हरा तेला को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है एवं थ्रिप्स वाइट फ्लाई में कम काम करता है। इसके उपयोग की जाने वाली फसलें की बात करें तो यह सभी फसलों में चल जाता है। इसकी रिजल्ट टाइम की बात करें तो यह आपकी फसलों में 15 दिन तक बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाई देगा आपका। एवं अगर इसकी बात करें तो यह एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आप किसी भी कंपनी का लेकर उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें थाइमेथोक्सोम 25% WG की, तो यह अकतारा जो है यह आपको मार्केट में आसानी से 2023 में 15 से 20 रुपए का पर पाउच मिला है, जो कि 5 ग्राम का पाउच हमारे हाथों में है किसान भाई इसकी। और ये दूसरी बात करें तो यह है इविडेंट, जो कि बायोस्टैट कंपनी बनाती है। अगर इसकी डोज मिर्च और बैगन और टमाटर की वाली फसलों में बात करें तो आप इसे 10 ग्राम प्रति 15 लीटर उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।